गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील जैविक फार्मर से मिलाएंगे जो बानसूर के उधो के बास के पास में स्थित हैं। तो और हम आज जगदीश जी के घर पे हैं और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आज से 5 वर्ष पूर्व जैविक खेती से जुड़कर और उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से अपने फार्म पर किस प्रकार वो जैविक खेती कर रहे हैं। नमस्कार जगदीश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने इस जैविक खेती को अपनाया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि जिस प्रकार आप एक अध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद आप वापस अपनी धरती से जुड़े और खेती और किसानी को अपना कर आपने इसे एक जैविक खेती के रूप में आगे बढ़ाया है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट आने के बाद घर पर सिर्फ आराम करने में विश्वास करते हैं, उस समय भी आपने नवाचार किया और इस हौसले को हम सलाम करते हैं और हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम पर आपको आज के इस कार्यक्रम में आपकी इस कहानी को जानने के लिए हम काफ़ी उत्सुक हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जगदीश जी, कैसे आपने ये शुरुआत की, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और इतना अच्छा काम आप गाँव में रहकर कर रहे हैं। प्रारंभ से ही मुझे इस चीज़ का आभास होने लग गया था कि वर्तमान जो रासायनिक खेती की जा रही है, जिसमें कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जा रहा है, इससे अनेक बीमारियां समाज में फैल रही हैं और लोग ग्रसित हो रहे हैं। मैंने अपने राजकीय सेवा जीवन में ही ये तय कर लिया था कि मैं सेवानिवृत्त होने के पश्चात जैविक कृषि को अपनाऊँगा और उसी के पश्चात 2018 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और उसके पश्चात मैंने ये तय किया, उसके लिए मैंने पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को ये तय किया कि आज से मैं जैविक कृषि करूँगा। और मेरा मूल उद्देश्य यही रहा उसमें कि शुद्धतम तरीके से मैं कैसे जैविक कृषि कर सकता हूँ और किस प्रकार से मैं समाज और राष्ट्र के हित में ऐसे अनाजों को, ऐसे खाद्यान्नों को उत्पादित कर सकता हूँ जो कि हम सबके लिए फायदेमंद हों, और वैसा ही मैं कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपने जो कृषि से संबंधित अनेक कार्यालय हैं वहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त की, जैसे KVK रामनगर जो बानसूर का कार्यालय है, इसी प्रकार से स्टेट लेवल के जो जैविक कृषि से संबंधित जो लोग जानकारी देते थे उनसे जानकारी लेकर के और मैंने ऐसा किया। उसके पश्चात मैंने स्वयं ने अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट का बेड बनवाया और उससे मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया और वही खाद मैं शुरू से उपयोग में ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने देसी गाय का पालन भी, जो प्रारंभ से मेरे पुरखे भी ऐसा काम किया करते थे, मैंने शुरू से ही गाय का पालन करना प्रारंभ कर दिया था और मेरे पास आज भी देसी गाय है। उसके गौमूत्र से, उसके गोबर से और खाद रहित, रासायनिक खादों रहित मिट्टी से मैं इस प्रकार से जीवामृत का उत्पादन भी स्वयं अपने घर पर ही करता हूँ, जो कि फसलों पर छिड़काव के लिए बड़ी उपयोगी होती है, जो कीटनाशक के रूप में भी और भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए भी दोनों ही तरह से बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से प्रारंभ में मुझको कुछ दिक्कतें अवश्य आई क्योंकि पैदावार बिल्कुल आधी भी नहीं रही थी, परंतु लगभग 2 वर्ष के पश्चात मेरी पैदावार में थोड़ी थोड़ी वृद्धि प्रारंभ हो गई। वर्तमान में मैं अनेक तरह की फसलें पैदा कर रहा हूँ जो हमारे खाद्यान्न के रूप में भी काम आती हैं और कुछ औषधीय फसलें भी पैदा कर रहा हूँ जिसमें मसाले मुख्य रूप से हैं। खाद्यान्नों में मैं गेहूँ, जौ, बाजरा, ये प्रमुख तीनों फसलें पैदा करता हूँ। तिलहन में सरसों की पैदावार, वो भी जैविक तरीके से ही करता हूँ जो अपने घर के काम के लिए उपयोग में आती है और कोई भाई परिचित होता है उनको भी दे देता हूँ। इसके अलावा जो हमारे मसाले हैं उनमें शुद्ध मेथी, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ये 4-5 इस तरह के मसाले हैं जो अपने घर पर हम कर सकते हैं, वो भी मैं पैदा कर रहा हूँ। इस तरह से मैं अपने घर के उपयोग के लिए अक्सर ये चीज़ें कर रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी प्रारंभिक स्थिति है और मैं 1 हेक्टर ज़मीन में ही ऐसा कार्य अभी तक कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा लगा सर जगदीश जी, जिस प्रकार आपने बताया कि कैसे आप अपने सेवानिवृत्ति के बाद में आपने घर पर वापस आने के बाद आपने अपनी धरती से वापस जुड़े और जो स्वप्न आपने पहले सोचा था उसे वास्तव में हकीकत में बदला। आज हम देख रहे हैं कि आप इतने बड़े अच्छे लेवल पर एक जैविक फार्मर के रूप में, एक प्रगतिशील किसान के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जब आप आरंभ कर रहे थे तो इस तरह के क्या क्या चैलेंज, किस प्रकार की समस्याएं आपको सामने आई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग आपने कहा कि आप कई विभागों में जाके आपने ट्रेनिंग्स ली, वहां के विषय विशेषज्ञों से आपने मदद ली, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर हो, चाहे यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी हो या फिर अन्य जो उद्यानिकी विभाग के जो अधिकारी हो, उन सबकी मदद के माध्यम से अपने आप को आपने आगे बढ़ाया। तो मैं जानना चाहूंगा जगदीश जी कि ऐसी कौन सी समस्या जो आपको मेजरली परेशान करती थी लेकिन फिर भी आपने उसका समाधान तलाशा और आप आज एक अच्छे जैविक फार्मर के रूप में उभर के आए हैं। मैंने ये काम खरीफ की फसल से प्रारंभ किया था, लेकिन जब पहली बार मैंने देखा कि पैदावार तो बहुत ही न्यून हो रही है, फसलें बिल्कुल कमजोर हैं और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि ये अध्यापक है जो लोभी है, खाद नहीं डालता है। मैंने उनको समझाया भी कि मैं यूरिया DAP इस वर्ष से बंद कर रहा हूँ, इसलिए मेरी फसलें कमजोर हैं और पैदावार बहुत कम हुई, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया उससे और मैंने ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करके कृषि विभाग से और पैदावार बढ़ाने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत आदि बनाने के लिए तरीके सीखे और घर पर मैंने उनका उत्पादन किया। इस तरह से मैंने अपने हौसले को बुलंद रखते हुए कि भविष्य में ज़रूर मुझको इससे लाभ होगा और मैं वैसा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो प्रक्रिया आपने पूरी जैविक फार्मिंग के लिए आपने अजमाई, आप क्या संदेश हमारे किसानों को देना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान में किसान खेती को मुनाफे की बजाय घाटे का सौदा मानता है और आपने देखा इन 5 सालों में स्ट्रगल भी किया और कैसे आप उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे, तो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा क्षमता समाप्त होती जा रही है वह पुनः प्राप्त होगी। हालांकि पैदावार जरूर प्रारंभ में कम होती है, लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के लिए ज़्यादा भी नहीं करें तो वो लगभग आधा हेक्टर अर्थात 2 बीघा जमीन तक अपनी ऐसी रखें और स्वयं के परिवार के लिए और अपने मिलने वाले मित्रों के लिए थोड़ी बहुत पैदावार इस तरह से करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। और इसी प्रकार एक नए प्रगतिशील किसान की कहानी के साथ हम अगले कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी। धन्यवाद। धन्यवाद।